हाय गाइस, मैं शान चौहर, वेलकम बैक टू द चैनल अल्गोब्रा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इक्वेशन है हमारा, इसमें क्या गिवन है बेसिकली, हमें एक एरे गिवन है, उसमें हमें बताना है ये एरे एपी में है कि नहीं है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में जनरली क्या होता था, ए ऑफ आई इज जनरली ए स्टार्ट वाला प्लस आई माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला एरे देखें हमारा 0, 4, 8, 12, इसमें इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो 4 इज हमारा डी। तो अगर हमें फोर्थ एलिमेंट निकालना है, ए ऑफ 4 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल ए वॉज 0 प्लस 4 माइनस 1 इज 3 इंटू डी, दैट इज 12। तो एज यू कैन सी ये 12 आ गया। अगर हम ए ऑफ 3 निकालना है तो 0 प्लस 2 इंटू डी दैट इज 8, एंड ए ऑफ 2 निकालना है तो 0 प्लस 1 इंटू डी दैट इज 4। एज यू कैन सी ये सब बारे हमारे आ रहे हैं, तो हमारा ए पी में। कूल, सो वट वी कैन डू, वट वी कैन डू, फर्स्ट जो हमारा दिमाग में हमें आना चाहिए बेसिकली, हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस चेक करते रहेंगे हर कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स में। फर्स्ट और सेकंड में चेक कर लिया डिफरेंस सेम है क्या, थर्ड और फोर्थ में कर लिया सेम है क्या, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ में कर लिया, सेवन्थ और एट्थ में कर लिया, अगर सब में डिफरेंस डी आ रहा है दैट मीन्स ऑल ऑफ देम आर लाइक इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। दो दो के में अरेंज करके हम सबका डिफरेंस चेक करते रहेंगे, एंड ऐसे डिफरेंस चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि करंट जो हमारा एरे है, गिवन एरे है, वो एपी में है कि नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सॉल्यूशन नंबर वन। तो ब्रूट फोर्स में बेसिकली हमें क्या करना होगा, ब्रूट फोर्स में हमें सारे पेयर्स को चेक करना होगा, स्मॉलेस्ट पहले, फर्स्ट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट को, फिर थर्ड स्मॉलेस्ट एंड फोर्थ स्मॉलेस्ट को, फिर फिफ्थ स्मॉलेस्ट एंड सिक्स स्मॉलेस्ट को, ऐसे कर करके हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो डी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ब्रूट फोर्स अप्रोच होने वाली है। इसके लिए हमें हर एरे में जा जाके पहले थर्ड निकालना पड़ेगा, फिर फोर्थ निकालना पड़ेगा, फिर उन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा ब्रूट फोर्स है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा होगी तो कोई फायदा नहीं है इसको करने का। सेकंड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सॉर्ट दिस, हम क्या करेंगे इसको सॉर्ट कर लेंगे ताकि हमें फाइंड ना करना पड़े। जो सबसे पहले एलिमेंट आएगा वो सबसे स्मॉलेस्ट है, सेकंड उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट होगा, थर्ड उसके बाद थर्ड स्मॉलेस्ट होगा, एंड ऐसे हमें सारे मिल जाएंगे नंबर्स एक ऑर्डर में। एंड बस हमें क्या करना है, इसका चेक कर लिया, इन दोनों का चेक कर लिया, फिर इन दोनों का चेक कर लिया, फिर इन दोनों का चेक कर लिया, एंड कहीं पे भी अगर वो डी से बड़ा आता है, डी से छोटा आता है, तो हम बोलेंगे नो ब्रो, दिस इज़ नॉट एन ए पी। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, हम हैश मैप यूज़ कर सकते हैं, हैश मैप यूज़ कर सकते हैं फाइंड करने के लिए। अगर हमें सॉल्ट नहीं करना तो हम फाइंड करने के लिए हैश मैप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सॉल्यूशन होगा ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्पेस में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा स्पेस सेम था, टाइम हमारा एन लॉग एन आ रहा था। ठीक है, टाइम हमारा एन लॉग एन आर था। अब हैश मैप में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम पहले अपना स्मॉलेस्ट निकाल लेंगे एंड सेकंड स्मॉलेस्ट निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेंगे डी। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एरे में हर एलिमेंट को चेक, पहले सब एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे अपने हैश मैप में, फिर हम स्मॉलेस्ट पे स्टार्ट करेंगे, फाइंड करेंगे स्मॉलेस्ट है, फिर हम स्मॉलेस्ट में डी ऐड करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर स्मॉलेस्ट में टू डी ऐड करेंगे, फिर चेक करेंगे, स्मॉलेस्ट में थ्री डी ऐड करेंगे, फिर चेक करेंगे। अगर किसी भी पॉइंट पर हमें नहीं मिलता है वो नंबर, सो विल जस्ट रिटर्न नो। अगर हमें सारे एलिमेंट्स पार हो गए एंड हमें पता चल गया कि हम सब अवेलेबल है, तो दैट मींस दिस इज एन एपी एंड हम रिटर्न करते हैं। टोटल नंबर्स भी हम काउंट करते रहेंगे, टोटल नंबर जो हमारे पास होने चाहिए वो एन होने चाहिए, एंड इफ दैट इज ट्रू देन वी आर गुड टू गो। फोर्थ एक और सॉल्यूशन है इसका, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, काउंट सॉर्ट यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, काउंट सॉर्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे यार, एक और बात बताओ, फॉर एग्जांपल 0, 4, 8 एंड 12 ये नंबर थे, अगर ये एक ए पी में है तो अगर हम पूरे को डी से डिवाइड कर देंगे तो 1, 2, 3, 4 आना चाहिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4 आना चाहिए, राइट। इसको हमने डिवाइड करा, 0 हो गया, इसको डिवाइड करा, 1 आ गया, इसको डिवाइड करा, 2 आ गया, इसको डिवाइड करा, 3 आ गया, राइट, मानते हो। तो बस हम अकाउंट कर लेंगे, एन साइज़ का हम बना देंगे अरे, काउंट सॉर्ट पे लगा के देख लेंगे। अगर काउंट सॉर्ट में अगर सारे एलिमेंट्स एन के इक्वल आ रहे हैं, सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं हमें, दैट मीन्स दिस इज एन ए पी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे नहीं है भाई ये ए पी। ठीक है, और हम रिटर्न कर देंगे। फिफ्थ जो हमारा सॉल्यूशन होगा, एक और मत सा है, इसमें हमने जैसे दो पासेस किए थे, हम क्या करेंगे सिंगल पास में कर देंगे इसको, हम क्या करेंगे सिंगल पास में हैश मैप में कर देंगे। ठीक है, सिंगल पास में हम क्या करेंगे, पहले हम मैक्सिमम निकाल लेंगे और मिनिमम निकाल लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेंगे एक पास करने के बाद। अब मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, हमारा डी आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आना चाहिए क्योंकि हमें पता है मैक्स आई विल बी इक्वल्स टू मिनिमम आई प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको करेंगे तो मैक्स आई माइनस मिन आई डिवाइडेड बाय एन माइनस वन विल बी इक्वल टू डी, तो हमें से डी निकल जाएगा।
हमारा डी निकल जाएगा, डी निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे फिर? एंड जैसे जैसे हमें मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करते जाएंगे, इसके साथ साथ हम अपने सेट में या फिर हैश मैप में ऐड करते रहेंगे सब एलिमेंट्स को, फिर हमें कुछ नहीं करना है, लूप में चेक करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे, फिर मैक्सिमम माइनस डी फाइंड आउट करेंगे, फिर मैक्सिमम माइनस टू डी फाइंड आउट करेंगे, फिर मैक्सिमम माइनस थ्री डी फाइंड आउट करेंगे, ऐसे कर करके हम सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लेंगे। एंड अगर हमें सारे एलिमेंट्स का काउंट हम मतलब सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, दैट मीन्स हमारा काम हो गया एंड दैट इज इट। सो ये वाला कोड करके देख लेते हैं जल्दी से। हमें क्या चाहिए, हमें एक सेट चाहिए, ठीक है, ठीक है, हमने बेसिक अपनी कैलकुलेशंस कर ली सारी, हमें मैक्सिमम मिनिमम मिल गया, ठीक है। हमारा डिफरेंस जो आएगा डी इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे इसको, मैक्स आई माइनस मिन आई डिवाइडेड बाय हमारा एन माइनस वन, इससे हमें हमारा डी मिल जाएगा, इससे हमें हमारा डी मिल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, वाइल एक काउंटर रख लेते हैं, वी कैन एम डॉट फाइंड इज ऑफ मैक्स आई इज नॉट इक्वल टू एम डॉट एंड, दैट मीन्स इसके अंदर मिल जब तक मिलता जाएगा हम क्या करेंगे, हमारे काउंट को प्लस प्लस कर देंगे एंड हमारे मैक्स आई को चेंज कर देंगे, ठीक है। एंड इफ काउंट इज डबल इक्वल्स टू एन देन रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। कूल, बस इतना ही करना है हमें, इसको रन करके देख लेते हैं, चल गया, इसको सबमिट कर देते हैं। तो बेसिकली देर इज सम इशू, ऑर्डर ऑफ एन वाला सबमिट नहीं हो रहा, बट एन लॉग एन वाला सॉर्ट करके हमारा सॉल्यूशन सबमिट हो जा रहा है। सो अगर गीक्स फॉर गीक्स इसको थोड़ा आप ठीक कर लें, बट या दिस सॉल्यूशन इज वर्किंग, इसके बारे में मैंने पहले बात करी थी, सॉर्ट करके हम निकाल सकते हैं, तो दैट मीन्स जो सॉल्यूशन हमने लिखा है वो भी चलेगा ही चलेगा, चलना चाहिए। सो डोंट वरी, दैट्स द बेस्ट सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है, तो बेसिकली आई थिंक दे आर जस्ट चेकिंग फॉर एन लॉग एन। इससे अच्छा अगर तुम सॉल्यूशन लिख रहे हो तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट इट्स ओके। सो या आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा हमने क्या किया है। जैसे हम देख सकते हो ये वाला ऑर्डर ऑफ एन में ही चलेगा, राइट। हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड सेट ले लेते हैं, इसमें रिट्रीवल एंड ऐड करना कांस्टेंट टाइम में हो जाता है हमारा, सो दिस शुड बी ऑर्डर ऑफ एन ओनली। एंड यहाँ पे इस ये लूप भी ऑर्डर ऑफ एन से ज़्यादा नहीं चलेगा। सो एक बारी देख लेते हैं कंपाइल करके, हमने बस एक गड़बड़ करी थी, हमने क्या करा था, हमने सेट यूज़ कर लिया था अनऑर्डर्ड सेट की जगह, अनऑर्डर्ड सेट करने के बाद भी नहीं पास हो रहा है सॉल्यूशन, बट एज इट इज 10^5 हम एंड हमने ऑर्डर ऑफ एन में इसको कोड कर दिया है, फिर भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स देर इज एन इशू विद द एडिटर एंड वी कांट डू एनीथिंग। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। algoprep.in आप चेकआउट कर सकते हैं, एंड इसके साथ साथ कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।